तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं मीट चावल बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ चिकन, यहाँ कढ़ाई रख रही है और रिक्का बनाएगी चावल। तो बना रहे हैं, सारे अपने अपने कामों में लगे। तो मैंने प्याज मिर्ची वगैरह कट करके रख दी है, तेल गर्म हो गया हमारा, कहाँ की मसाला डालनी। चलो बनाते हैं रिक्का जी। तो आज बन रहा है चिकन, तो वो मैं बना रही हूँ। चावल बना दिए हैं, रितिका ने चढ़ा दिए, साइड में हो रही हैं वो, तो मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चिकन, तो बन रहा है चिकन। तेल गर्म हो गया, प्याज डाल दिए हैं मैंने। जैसे बनाती हूँ चिकन में ना पानी नहीं लगता है, मतलब पानी कम ही लग। इसने मशीन लगाई हुई है लड़की ने, यहाँ ये यहाँ धुल रहे हैं कपड़े। तो यहाँ प्याज हो गए हैं, मैंने मिर्ची भी डाली हुई है, यहाँ मिर्ची डाल दी है मैंने। तो जो मसाले डलते हैं वही बेसिक से मसाले हैं, जीरा धनिया मिर्ची और सब कुछ डाल दिया है। टमाटर डालूँगी, फिर चिकन जैसे बनाते हैं हम, सभी तो बनाते हैं वैसे चिकन बनाते हैं हम भी। तो बस इसमें वो चावल के साथ बन रहा है तो तरी लगाएंगे, नहीं तो वैसे नहीं लगती है इसमें, क्योंकि तरी लग जाती है ना तो चिकन अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ वही तैयारी भी हो रही है चिकन की, खाने की तैयारी डिनर की होगी, ये बस बन ही गया है। चिकन को कितना टाइम लगता है, जल्दी बन जाता है वो। तो बस तो यहाँ हो गए हैं, सारा मसाला पक गया है, तेल छोड़ दिया है सभी मसालों ने। यहाँ मैंने चिकन डाल दिया है, और कभी मैं दिखाती नहीं हूँ चिकन, अच्छा नहीं लगता दिखाने में, क्योंकि जो लोग नहीं खाते ना उनके लिए अच्छा नहीं लगता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे भी दिखाने में। मैं कभी ये वाली रेसिपी मैंने दिखाई नहीं है चिकन की। तो बस बन गया है, थोड़ा सा मैंने ढक के पकाऊंगी इसको थोड़ी देर, फिर बस हो ही गया है लगभग। चावल भी हो गए एक तरफ हमारे, और यहाँ आग सेक रहे हैं। यहाँ मोनिका कपड़े धो के आई है, तो आग भी बनती है सेकना, क्योंकि आज ठंड बहुत हो गई है, बर्फ़ गिरी है ऊपर पहाड़ों में, तो हमारे यहाँ नीचे नीचे मतलब गांव में हो जाती है। तो ये जो पहाड़ हैं धर्मशाला वाले, हमारे घर से मतलब आधा पौना घंटा लगता है, हमें आधा घंटा लग गया था गाड़ी में, तो हम पहुँच गए थे उस दिन। हमारे यहाँ भी पड़ जाती है कभी कभी बर्फ़, कभी कभी नहीं, एक 5-7 साल पहले पड़ी थी यहाँ बर्फ़। तो ये देखो चिकन हो गया है हमारा, आओ जो लोग खाते हैं आओ खाओ, बताओ कैसा बना है। तो सारे रूम हो गए हैं साफ, सुबह हो गई, नाश्ता वगैरह हो गया है, पर नाश्ते के बाद मैं नहाऊंगी। नाश्ते के बाद नहाना हो रहा है, और कपड़े तैयारी भी हो रही है, अभी मम्मी के घर जाएंगे, मायके जाएंगे अभी। तो लगीजिए कर दिया मैंने ओम, तो नहाऊंगी, सर भी करूँगी मैं बोश, क्योंकि कल ना जब आए थे तो गीले हो गए थे आते आते, तो फिर गीचर हो गया है ऊन, अभी नहाऊंगी, पानी हो जाता है गर्म तब तक। कल के ना इतनी हालत ख़राब होगी कपड़े। गुड़ तेरे बूट कहाँ हैं? शूज पूरे गीले हो गए, इनको भी ऊपर डालती हूँ छत में। ये कपड़े गीले वाले सारे रात में, वो शूज़ देखो गीले हुए हैं। आते हैं, पर मैं सर भी धोऊंगी, आज फ्राइडे है, फ्राइडे है ना आज, है फ्राइडे में धोती तो नहीं हूँ फ्राइडे में, पर धोने पड़ेगा क्योंकि मेहंदी लगाई थी ना मैंने जब आ रही थी एक दो दिन पहले। फिर थोड़ा सा कागज़ वाला काम है, तो वहाँ बनाने पड़ेगा मम्मी के वहाँ, तो बस जाएंगी अभी नहा वहा के। और ये धान का स्वेटर है, ये भी डालना है स्कूटी में। और और यहाँ मोनिका कर रही है डांस, पर वही है कि म्यूजिक नहीं मैं लेती हूँ उसमें, क्योंकि कॉपीराइट आता मुझे, तो मैंने म्यूट कर दिया। ये बोल रही थी मैं डांस करती हूँ, तू ले लेना कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं इसमें मैं गीत नहीं लूँगी, पर कोई नहीं मैं एडिट कर दूँगी उसको, वॉइस ओवर कर दूँगी मैं थोड़ी सी। तो यहाँ मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, फिर नहाऊँगी। तो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ जो मेरे कल वाले हैं, जो हम गए थे घूमने वो वाले। इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड। आइया चल पुणा बस मास्क गोइंग टू माइक का फिर। बड़ी बड़ी जैकेट है, सूखने भी चाहिए, बाल सुखाऊंगी मैं भैया। Mm-hmm.
पहाड़। अगर आज जाते ना तो आज बर्फ़ नहीं देखने को मिलती। आज बोल रही थी आज फ्राइडे है, कपड़े बदला देती हूँ सूख जाएँ, क्योंकि कोई स्वेटर जो है ना सूखते भी नहीं है। इसकी जैकेट कपड़े भी एक दो सूख ले के आए हम, तो फिर सूख जाएँ जल्दी जाने के लिए। तो फिर पजामा मोटे मोटे ना सूखते भी नहीं है, मशीन में सुखाने के बाद भी नहीं सूखते हैं ये। और आज धूप अच्छी निकली हुई है, आज जाती तो आज बर्फ़ नहीं देखने को मिलती। आज बोल रही थी फ्राइडे को, क्योंकि कल ना बारिश ही थी पूरा दिन, कल गए तो बर्फ़ भी देख ली नहीं, तो आज जाती तो आज कहाँ बर्फ़ देखने को मिलती। आज धूप निकली है शायद, आज 2 तारीख है। और अगर आज जाती ना तो आज नहीं मिलती बर्फ़ देखने को। गाड़ी में है आधा पौना घंटा लगता है यहाँ से जाने को ऊपर पहाड़ों में, तो हमारा थोड़ा सा नीचे है ना, दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये है ऊपर पहाड़, यहाँ ऊपर धर्मशाला साइड, तो यहाँ से हमें आधा पौना घंटा लगता है। जब ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी ना ऊपर पहाड़ों में, तो यहाँ भी गिरी थी मतलब बर्फ़, जब ऊपर ज़्यादा गिरती है ना बर्फ़ तो यहाँ भी गिर जाती है। फिर 5-7 साल पहले पड़ी थी यहाँ बर्फ़। मैंने कल वाली वीडियो लगाई हुई है एडिट पे, एडिट करने में 1 घंटा लग गया मुझे एडिट करने में, और जब सेव करने की बारी आए ना तो फ़ोन में वही प्रॉब्लम है मेरे में। दूसरे फ़ोन में बना रही हूँ अभी वीडियो, रेडमी वाला फ़ोन है ये, इसमें बना रही हूँ फ़ोन वीडियो। और उसमें कल सुबह जब मैं उठी थी ना, तो वो वीडियो मैंने एडिट करने मतलब एडिट करी थी, वो जब सेव करने की बारी आई ना तो उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उस फ़ोन में स्पेस मांगता है फ़ोन मेरा ओप्पो का, तो अभी इसीलिए मैं इस फ़ोन से बना रही हूँ। और वो सुबह से ऐसे ही पड़ा है, सेव नहीं हो रही है मेरी वीडियो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इस फ़ोन से बना रही हूँ, दूसरे फ़ोन से, और उस फ़ोन से नहीं हो रही है मेरी। सुबह से लगाई हूँ, फिर से मैं उसको डिलीट करूँगी, फिर से मतलब एडिट करनी पड़ेगी मुझे वो वीडियो, तब जाके होगी। अभी मोनिका नहा रही है, फिर जाएंगे, थोड़ा सा काम है लड़के को भी, तो वो कागज़ वगैरह थोड़े से बनाने हैं, तो क्यों परेशानी देनी है ऐसे किसी को। तो यहाँ ये है कि ये अकेले होते हैं तो यहाँ रह लेती हूँ मैं, यहाँ ज़्यादा दिन आती हूँ मैं दूर से, तो फिर यही होता है मेरा असली ठिकाना, क्योंकि फिर भाई भी बीमार है, बस उसको देखने जाऊँगी अगर शायद रात रहे भी, तो ऐसे फिर परेशानी देनी। एक तो बच्चा छोटा है, फिर रोटी की, खैर वो तो मिलजुल के हो जाता है, फिर भी ना होती है परेशानी मेहमानों के साथ, तो क्यों जो दिन काटने हैं वही यही काट लूँगी, फिर देखेंगे। चले भी जाना फिर, हमने इसकी भर्ती के लिए आई हूँ मैं, तो बहुत मस्ती की हमने, खूब इन्जॉय किया, बर्फ़ भी देखी अच्छे से। और बस वो वीडियो पता नहीं अब कब आएगी, क्योंकि एडिट नहीं हो रही है। बहुत कोशिश की मैंने, 1 घंटा बैठी मैंने सुबह उठ के एडिट करने की कोशिश की कि मैं डाल दूँगी वीडियो, पर वो सेव नहीं हुई, फिर से मैंने डिलीट की वो। अभी मुझे फिर से एडिट करनी पड़ेगी, फिर देखती हूँ कब तक आती है वो वीडियो, आ ही जाएगी। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं अगले दिन कर ही दूँ उसको पोस्ट, पब्लिश कर दूँ, पर अभी देखती हूँ फिर से एडिट कर, क्योंकि आपको पता है मैं यही मायके में घूमती हूँ मैं मायके, क्योंकि घर में होता नहीं है जाना, यहीं घूमती हूँ मैं, मौज मस्ती यही होती है मेरी, जो भी होती है मौज मस्ती। तो बस देखते हैं, शायद कटिंग करवाऊँ मोनिका, मैं नहीं करवाऊँगी कटिंग, मेरे जितने हैं उतने ही ठीक हैं। इसलिए हमने अच्छा किया, जो भी किया भगवान ने अच्छा करवाया हमारे साथ, हम बारिश में ही निकल गए, क्योंकि बर्फ़ देखनी थी बहुत दिन, बहुत साल, पिछले साल भी हमने बहुत कोशिश की थी जाने की, पर जाना नहीं हुआ था। बहुत कोशिश की थी पिछले साल जाने की, पर नहीं आ गई बीच में। स्टेडियम भी पिछले साल इतना बुरा दिन था ना, उस दिन गए नहीं, कहीं भी नहीं गए, स्टेडियम भी जहाँ जा रहे थे वही रास्ता बंद, तो इसीलिए फिर गए नहीं, स्टेडियम भी नहीं गए। कल भी जाना था स्टेडियम, में देखते हैं अब, फिर जब तक हूँ मैं, जितने दिन भी घूमने का ही ब्लॉग आएगा आपको, मौज मस्ती का ही ब्लॉग आएगा। तो यहाँ कपड़े भी सूख रहे हैं, बाल भी सूख रहे हैं मेरे, और यहाँ मौज मस्ती भी चली हुई है। और यहाँ ये मैं जंप, मुझे बेटा बता रहा था कि मम्मी भर्ती जब होते हैं ना तो ये जंप बताते हैं 4 फुट वाला, 3 या 4 फुट वाला, तो वही बता रहा था कि आपसे नहीं होने वाला ये वाला जंप, तो मैं बता रही थी क्यों मेरे से भी हो सकता है ये। तो बस मौज मस्ती के बाद चल पड़े हैं अभी माइक के, तो तीनों देखो कैसे बैठे हुए हैं स्कूटी में,
तो जा रहे हैं अभी, तो बने रहना, मायके जा रही हूँ अभी मैं, और फिर उसके बाद इसको कटिंग करवानी है, फिर उसके बाद पार्लर जाएंगे, पार्लर के बाद यही पास में ही है, मतलब यहाँ से होगा कोई 5-6 किलोमीटर है, मोनिका के घर से मायके नज़दीक है, तो बस यहाँ अभी इसको कटिंग करवा रही है, ये मायके में ही उधरी पहुँच गई है बाज़ार में, तो बेटा चला गया, इसको भेज दिया है, फिर हमें थोड़ा सा काम था, ये चला गया था, फिर मुझे भी थोड़ा सा कागज़ बनवाने का काम था, वो किया, फिर इसने कटिंग करवाई, तो फिर चलते हैं, फिर आगे कटिंग हो रही है अभी, तो यहाँ में लो जी आगे हम आज मायके में, इसको पीछे ना चीजी लेने खड़ी हो गई थी दुकान में, आजा 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 आजा, और इसने कटिंग कराई हीरोइन ने और आगे चली गई मुझे छोड़ के दुकान में। हीरोइन आ गई मुझे छोड़ के, मारा था।